ओके देखो आज आमे लास्ट टाइम आमे पढ़ी सारी तुम्हारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आज गोटे एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे मु एथिरे पेन पेपर रे टिके ट्राई करी एक्चुअली देखुची जे एथिरे बेसी अधिक पाठ पढ़े होची ना सेथिरे सो देखो आज आमे पढ़िया को जाउचे को विषय रे ना नॉन कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ओके नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन मना रखी था एथिरे नॉन कॉम्पिटेटिव लिखाई माने नो कॉम्पिटिशन कौन कहली नो कॉम्पिटिशन कहा कहा भीतरे बिटवीन सबस्ट्रेट टा किए ना तुम एस आउ एंड इनहिबिटर ताने किए ना या सिंबल टा नहीं गली आई ठीक अच्छे सबस्ट्रेट आउ कौन इनहिबिटर भितरे कौनसी भी तमरा कंपटीशन ही नहीं ठीक अच्छे तो ताहले ठी इनहिबिशन टा केमिति हबो एक्चुअली फास्ट जिनसटा बुझ काहेकि कंपटीशन न थाए तो से कहूँची इनहिबिटर्स इन दिस केस हैज नो फंक्शनल रिजेम्बलेंस फंक्शनल रिजेम्बलेंस माने आमे कहिथिले जदि फंक्शनल ग्रुप इनहिबिटर आउ एक्टिव साइट रो समान हबो माने एटा एटा थिला अच्छा मु लिखी दिया गो विथ विथ एंजाइम ओके विथ एंजाइम तार नो फंक्शनल रिजेम्बलेंस माने आमे कहते कौन ना सपोज तुमर एटा एटा नहीं पार किंबा एंजाइम टाको काली जमती देखी थे लास्ट क्लास रे एमिती सपोज एटा मु कहली एंजाइम एटा हला ता एक्टिव साइट गोटे कौन टाइप रही तो तुम सबस्ट्रेट टा केमिति ना एमती कौन टाइप रहले से आसिक लगे सबस्ट्रेट टा एक केस रे सबस्ट्रेट टा एमती थाए किंतु इनहिबिटर टा एमती न थाए इनहिबिटर टा एमती थिबो सपोज सेप टा हला केमते कहली एमती एटा को सपोज कहली इनहिबिटर बर्तमान एटा एथरे फिट हबो कि हबनी हला तो यांकर यार इनहिबिटर आउ एंजाइम रो नो फंक्शनल रिजेम्बलेंस सेमानक भितरे किछि सिमिलैरिटी नहीं फंक्शनल ग्रुप रे सो से केबे भी लाइ इजीली अटैच हे परबनी हला किंतु किंतु कौन हुए ताहले जदि तम मन रे क्वेश्चन आस्थो जदि इनहिबिटर एठे न लागिवो ताहले इनहिबिशन प्रोसेस टा केमती हबो एक्चुअली केस टा सेया न थाए एग्जैक्टली कौन थाए ना एंजाइम रे केवल जे गोटे एक्टिव साइट थी सेटा केबे भी नुह हला तेणुक एक्टिव साइट गोटे केबे न थाए बहुत सारा एक्टिव साइट थाए ता माने सबस्ट्रेट जोठी लागुची ता सेपटा गोटे किंतु अलगा जगह थिबो जोठी के एक्टिव साइट थिबो सेठी अलगा जिनस भी लागी पारिबे ता माने एटा एंजाइम देखो एथिरे एबे मु सबस्ट्रेट टा सपोज एमती देली हला तो सबस्ट्रेट आसी कौटी लगे यही एक्टिव साइट प्लस मो पाखे इनहिबिटर टा एमती अच्छे एटा सपोज इनहिबिटर तो ई आसिक ये लगे तो ये प्राइमरी जिनस कौन पाइल ना सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बाइंड्स एट डिफरेंट कौन कहली बाइंड्स एट डिफरेंट एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स हला एंजाइम रो डिफरेंट एक्टिव साइट रे लागे किए तमरो ये जो सबस्ट्रेट आउ इनहिबिशन या द्वारा कौन हुए आगरु आमर फॉर्मेशन होतिला ई एस कॉम्प्लेक्स
जेतेबेले इ सहित एस भी लागुची इ सहित आई भी लागुची तो एबे कौन कम्प्लेक्स हो जीवो आगर होतला ईएस एबे आउ ईएस होबनी कौन हो जीवो ईएसआई तामने एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर इनहिबिटर कम्प्लेक्स हो जीवो बुझेला हला केवल सेतिकी नुह सपोज तुमर एठे सबस्ट्रेटा लागि नाही तार इच्छा हलानी से आज लागिनी तो कौन है जीवो ना ताहले किए लगी थी वो ओनली ई आई ताहले आउ कौन ऑप्शन पाइल एंड एंड ई आई माने कौन है गला ना एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तैयारी हो जाउछ बुझेला कौन हैला एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स तो जोटा भी हो हैला जोटा भी हो ईएसआई हो ईआई हो ठीक अछि बोथ रे ट्रबल कौन ए माने नेक्स्ट रे ब्रेकडाउन हेबे हैला ब्रेकडाउन और कौन हे जिबे क्लीवेज ओके जे त क्लीवेज हेबे ए माने कौन देबे E प्लस कौन है जीवो प्रोडक्ट जोटा कि तुमर दरकार नुह तुमर कौन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिलिबो एटा है जीवो तुमर कौन अनवांटेड प्रोडक्ट कौन है गला अनवांटेड प्रोडक्ट ठीक अछि बुझि पालो तो एई जो कम एटा नॉन कॉम्पिटिटिव रे पचारे सब बेले क्वेश्चन जे व्हिच कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म ईएसआई एंड ईआई कॉम्प्लेक्सेस दिस गिव्स अनवांटेड प्रोडक्ट्स ला तो तमरो जो प्रोडक्ट दरकार सेटा हेलानी माने एंजाइम एक्टिविटीटा कोन हे गला डिक्रीज हे गला आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कोन हुए इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन गोटे जिंस हुए द इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट बाइंड्स देखो सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बाइंड्स साइमल्टेनियसली हला तेनु करी प्राय केस रे तमरो ईएसआई कॉम्प्लेक्स ही तयारी हुए बहुत रेयर केस रे ईआई टा केवल तयारी हुए तो ईएस एंड आई बाइंड्स साइमल्टेनियसली हला बट एट डिफरेंट पोजिशन बट आट डिफरेंट आक्टिव सैट्स यहाँ बुझे डिफरेंट आक्टिव सैट रे लगे कि एका सांगे लगे है जो एंद लिखिपर आज इनहिबिटर इज बाउंड हला इनहिबिटर जेहेतु बाउंड हेइचि एटारे कौन हुए ना एंजाइम बिकम्स इनआक्टिव एंजाइम बिकम्स इनआक्टिव हेगला एंजाइमटा कौन हेगला तुमर इनआक्टिव जेतेबेले एंजाइमटा इनआक्टिव हेगला बेले बेले लोक भावती यार गोटे कंडीशन भावती अच्छा आमे कहुचे सबस्ट्रेट आउ एंजाइम दिट इज इनहिबिटर बोथ अच्छा बोली ये कंपिटिशन हो सत नन कंपिटेटिव होने दीटा अलग जगह लग जा तो मुझे करी सबस्ट्रेट कनसेंट्रेसन टाक बहुत अधिक करदेवि है लोक स्टार्टिंग भावुले जदि सबस्ट्रेट कनसेंट्रेसन टाक बहुत अधिक करदेवि तेल मोर ये ट्रबुलटा रही बट एक्चुअली से कथा हेला ना कहीं ना ये गोटे जगार बैंड हो कंपिटिशन करते तुम यहीटा को बहुत अधिक बढ़ेदे या को चान्स मिल न था कितु या पोजिशन टा अलग अलग जेहेतु पोजिशन अलग देर इज नो कंपिटिशन तुम यार जिते भी कनसेंट्रेसन बढ़े ये नन कंपिटेटिव इनहिबिशन को रोकी पार्बानी हाँ तो यही गोटे सेन्टेन्स एखा हुए एमती जे
ड्यू टू बाइंडिंग एट डिफरेंट पोजिशन बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन कौन कहली सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन ला सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन नॉन कॉम्पिटेटिव कौन कहली नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन कैन नॉट बी स्टॉप्ड हला नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन टा कदापि स्टॉप करी हबो नहीं बुझेला तो आमे वर्तमान जदि फाइनली यार गोटे दिटा एग्जांपल देखि दबा एटा सरी जीव ठीक अछि तो एग्जांपल को चलो एग्जांपल रे कोन अछि ना एक्चुअली एटा बॉडी पॉइजनिंग रो माने कोन कहिलो गोटे केमिति बॉडी रे पॉइजन हुए लोक कहंती मर्क्यूरी किंबा सिल्वर किंबा लेड एगुडा क एगुडाक एंजाइम रा एक्टिविटी स्टॉप करंती के कहली Hg+, Hg2+, Pb2+ एगुडाक सेथि पय कहंती कोन टॉक्सिक मेटल्स कोन कहंती टॉक्सिक मेटल्स तो एथिर कोन जानु छे जनरली देखियो Hg टा हाईली टॉक्सिक हला जदि बॉडी रे मर्क्यूरी बेसी रही जीवो संगे संगे माने उदिन गोटे दिन तमे मरी जीव बहुत टॉक्सिक से जो जो माने थर्मोमीटर यूज करते तांको कहा जाए जदि थर्मोमीटर टा भांगी जाइछि ताहले आगो हाथ भल रे धुओ दुई दिन पर्यंत चामच रे खाओ काहे कि सेथरे थाए मर्क्यूरी मर्क्यूरी जदि बॉडी भीतर को जीव से केमिति एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप करे से विषय रे कहूछि हला आमर बॉडी रे एंजाइम टा को फॉर्म रे थाए माने आमे जो एक्टिव साइट कहूचे तार एक्टिव साइट रे सब थाए SH थायोल ग्रुप केवल थाए न बहुत सारा फंक्शनलिटी ग्रुप थाए किंतु ए थायोल टा थाए हला ए थायोल टा वेरी सेंसिटिव कोन कहिले वेरी सेंसिटिव वेरी सेंसिटिव towards trace metals कहिले जो मेटल गुडा का हम बॉडी रे अल्प अमाउंट रे थाए वेरी वेरी लिटिल अमाउंट रे स्टील ए एसएच ग्रुप तांको भी सेंस कर पाइबो हला ताना कर माने घ्राण शक्ति टा भारी स्ट्रांग तो कोन हुए ना ए जो ट्रेस मेटल कथा कहिली ट्रेस मेटल रो काम कोन हुए ना जितेबले बॉडी रे तमरो किछि एजी किबा एचजी 2 प्लस पीबी 2 प्लस कोठु आसी गला ये केमिति काम करंती देखो एंजाइम अछि एथेरे लागिछि को फंक्शनल ग्रुप एसएच आमे जानिछि ए स्टार डेल्टा माइनस माने नेगेटिवली चार्ज एटा कोन थिबो पॉजिटिवली चार्ज आ तमे दोउछ सपोज सिल्वर पाइछ हला ये गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन करे कौन करे ना एच प्लस टा बाहरी जीवो ए जी प्लस टा लागी जीवो कहीं कि सल्फर रो यहाँ का सहित बाइंडिंग भला है जाए हला भला ही गले कौन कॉम्प्लेक्स हला ई एस ए जी हो जी एच बदल रे के ला गला ए जी वर्तमान बाहरी के पढ़े ला एच प्लस ओके तो एट कौन है जाओ जी एट ही एथिरे देख गोटे बढ़िया जिनस देख एटा थिला तमरो पॉइजन कोन हला बाहर किछि खाई देइचो पॉइजन ठीक अछि जदी एटा बाइंड हे कि एटा होची एटा जदी फिक्स हे जाय थांता माने एक्सट्रीमली स्टेबल हे जाय थांता या ओ एपट को भांगी न थांता तेनु करी देख ए प्रोसेस टा रे भगवान भी केमति त गढ़ी चंती जे ए प्रोसेस टा होची रिवर्सिबल
ତେଣୁକରି ଯଦି ବି ତମ ପାଖରେ କିଛି ମେଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପଏଜନସ୍ ମେଟାଲ ତମ ବଡିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ତମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ରିଭର୍ସିବୁଲ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲା ମର୍କ୍ୟୁରି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ମର୍କ୍ୟୁରି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ? ଆମର ଯେଉଁ ESH ନା, ଇଏ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଥାଏ। ESH ୟା କାମ ହେଉଛି ତମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ Fe2+ Fe3+ ଆଇରନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖେ, ଏବଂ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବଡ଼ିରେ ଆଇରନ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଇରନ୍ ବିନା ବ୍ଲଡ଼ର କିଛି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ, ହେଲା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆଇରନ୍ ବିନା କିଛି ବ୍ଲଡ଼ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି Fe ସହିତ ନ ଲାଗିକି AG ସହିତ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ତମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ପଏଜନ୍, ତମର ଯିବା କଥା ଆଇରନ୍, ଯାଉଛି ସିଲଭର, ତ ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ? ସେମିତି HG ଲାଗିଲେ ଆହୁରି କ୍ଷତି କରେ। ସିଲଭର ତ ହେଲେ ଟିକେ ଚଳିବ, ଇଏ ଦୟା କରିଦେବ ତମ ଉପରେ, କହିବ ତୁ ମୋତେ କିଣୁଛୁ ସୁନା ରୂପା ଆକାରରେ, ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଦୟା କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର କିଏ କହିଲ, ମର୍କ୍ୟୁରି, ମର୍କ୍ୟୁରି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବାଇଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଇଏ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ତମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମର୍କ୍ୟୁରି ରହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଆଇରନ୍ ଲେବୁଲ କମି କମି ଯିବ। ଆଇରନ୍ ଲେବୁଲ କମି କମି ଗଲେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହବ ଆଉ, ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିହେଲା। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗଲା ଯେ ଏଇଥିରେ ଇନିହିବିସନ୍ଟା କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଟ୍ରେସ୍ ମେଟାଲ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ SH ଫଙ୍କସନାଲ ଗ୍ରୁପ, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଭର୍ସିବୁଲ। ସୋ ବାଇ ରିପ୍ଲେସିଂ AG+ ୱିଥ୍ H+ ଏଗେନ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ HG ଦ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବିକମ୍ସ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଅର୍ ପଏଜନ୍ଡ, ହେଲା ଏତିକି ଲେଖିହେବ। ତାପରେ Example 2 ଯାଉଛି। Example 2 ସହଜଟା, ଏତେ କଥା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯଦି SH ଥିବ କିମ୍ବା ସିଆନାଇଡ଼ ଥିବ, ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଶୁଣ, କହନ୍ତି ସିଆନାଇଡ଼ ଥିବ, ଦେ ଇନହିବିଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ Fe, ହେଲା କାହା ଉପରେ, ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ରେ ଆଇରନ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କରି କଣ୍ଟେନିଂ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ, ହେଲା ତମକୁ ଯେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯଦି CN ଥିବ ଆଉ ଏତିକି ଥିବ, ଏମାନେ ବେଶୀ ବାଇଣ୍ଡ କରିବେ AG ଆଉ HG ସହିତ, ନଟ୍ ୱିଥ୍ Fe, ସୋ ୟାର ଆକ୍ସନ୍ଟା କମିଯିବ, ହେଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ତା କାଟାଗୋରିରେ ଆସନ୍ତି, କାଟାଲାଇଜେସ୍, ହେଲା କାଟାଲାଇଜେସ୍, କାଟାଲେଜ୍, କାଟାଲାଇଜେସ୍ ନୁହେଁ ତ, କାଟାଲେଜ୍ LASE, ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହେ ନା, ପେରକ୍ସାଇଡ଼େଜ୍, ଆଇରନ୍ର ତ ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ଅକ୍ସିଡେଜେସ୍, ପେରକ୍ସିଡେଜେସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିବା, ହେଲା ପେରକ୍ସିଡେଜ୍, ହେଲା ବୁଝିହେଲା। ତ ୟା ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିଗଲେ ଆଇରନ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ସବୁଠୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହୁଏ CN, ଆମେ ଯେଉଁ ସେଓ ଚୋପା ଖାଆନ୍ତି, ଜେନେରାଲି ସେଓ ଚୋପାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ CN ଥାଏ, ତା'ମାନେ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ସିଆନାଇଡ଼ ଖାଇଲେ ମରିଲା ବାଲା ସିଆନାଇଡ଼, ଏଇଟା ପରମିସିବୁଲ ଲିମିଟ୍, ମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ମରନ୍ତିନି ଲୋକ, ବଡ଼ିରେ ଏତିକି ରହିଲେ ଚଳିବ, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଥାଏ ସେଥିରେ, ସେଇଟା ଖାଇକି ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ, ସେଇଥିରେ ସିଆନାଇଡ଼ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଆପଲ୍ ଖାଇକି ମର୍କ୍ୟୁରି ବାଲା ଜିନିଷରେ କେବେ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯଦି ପାଟିକୁ ପଳେଇଲା ମର୍କ୍ୟୁରି, ଆପଲ୍ ଖାଇଛ, ସେ CN ସହିତ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ଯିବ ତମ ବଡି ଭିତରକୁ, ତମର ୟା ସହିତ ଲାଗିଯିବ HG ଆଇରନ୍ ବଦଳରେ HG, ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଜନସ୍ ହେଇକି ବୁଡ଼ି ମରିବ, ବୁଝିହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ନନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇନହିବିସନ୍, ହେଲା ଚାଲ ଦେଖିବା ଅନ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇନହିବିସନ୍।